इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा दिल्ली के ताज पैलेस होटल में फोर्थ ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट 2019 का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हस्तियों को कृषि पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें 18 विशिष्ट व्यक्तियों, संस्थानों और राज्यों को कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अनेक उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुखिया डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा थे। उन्होंने सभी को अवार्ड देकर सम्मानित किया। आइए देखिए ये रिपोर्ट। को हम जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करके किसानों को किस तरह एम्पावर कर सकते हैं? ऐसा है कि जैसे आज एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सह्याद्री को सम्मानित किया गया लीडरशिप के लिए, ये एक उदाहरण है जहां किसान अपने ग्रुप बनाकर एक प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं और बाज़ार के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे किसानों को ज़्यादा फायदा मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि किसान का जो उत्पाद है उसका अगर सही प्रसंस्करण होगा तो किसानों को ज़्यादा भाव मिलेगा और कंज्यूमर को भी अपना जो पैसा खर्चा करता है उसका भी मूल्य सही मिलेगा। गुणवर्धन होगा तो सबको फायदा होगा। बाजार जो है, बाजार वही पदार्थ चाहता है, वही चीज़ चाहता है जिसको बढ़िया से मार्केट कर सकता है अगर उसमें गुणयुक्त हो पाता है। तो गुणयुक्त अगर नहीं होगा, गुणवर्धन नहीं होगा, तो बाज़ार में जितना भाव मिलना चाहिए, बाज़ार जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए किसान को बाज़ार के साथ जुड़ने के लिए बीच में हमें एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस हाउसेस, इनके जो उसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, उनके कंट्रीब्यूशन आवश्यक है। फार्मर अपना प्रोड्यूसर कंपनी खोल के कर सकते हैं, दूसरे कोई भी उद्यम खड़ा करना चाहता है वो भी बीच में आकर किसान को सपोर्ट कर सकता है। थैंक यू सर।